भाई साहब यहाँ पर ये जो जेसीबी है, ये जेसीबी पूरी फुल अटैच्ड हो चुके हैं इस कीचड़ के अंदर। भाई यार ये देखो क्या रोपी, ये ट्रैक्टर रोपी। भाई यहाँ पर देखो भाई साहब क्या खतरनाक यहाँ पर सीन हो रहा है। मैं ट्रैक्टर और जेसीबी दो कितने आधे आधे के आधे पूरा पानी के अंदर धस चुके। जेसीबी का टायर इतना बड़ा होने के बावजूद भी यहाँ पर ये पूरा पूरी तरह से अटैच्ड हो चुका है, ठीक है। एंड मैं इसको निकाल रहा हूँ भाई जेसीबी का। देखो भाई साहब फुल यहाँ पर क्या बुमबान हाल हो रहा है, ठीक है। और जेसीबी का जो है क्या आवाज़ आ रही है यार, इंजन की आवाज़ देखो यार। इस ट्रैक्टर जो है वो जेसीबी को खींच रहा है, बट यहाँ पर भाई फुल खतरनाक यहाँ पर वॉइस आ रही। शायद आपको मेरी भी वॉइस सुनाई नहीं दे रही होगी। ओहो हो भाई ओपी खतरनाक यहाँ पर। ये क्या ओए 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 भाई 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 थोड़ी सी यहाँ पर आवाज़ कम हुई बिकॉज मैंने यहाँ पर जो पावर को लो कर दी है। एंड मैं इसको निकाल रहा हूँ, देखो आधा दूर और बचा हुआ। क्या यहाँ पर ये जेसीबी निकल पाएगा या फिर नहीं? और ये जेसीबी अपने आप ही यहाँ पर अपना रूट है ना बदल रहा है, मतलब तो ये अपने आप यहाँ पर टर्न हो रहा है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर थोड़ा लो पावर करना पड़ेगा बिकॉज ये जो है भाई फुल खतरनाक यहाँ पर सीन हो रहा है यार। शिट गाइस, क्या ये जेसीबी यहाँ पर शक हो जाएगी या फिर निकल जाएगी, ठीक है। दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। वैसे भी दोनों में से एक ही होने वाला है, या तो निकल जाएगी या फिर शक हो जाएगी। बट यहाँ पर जो ट्रैक्टर भाई यहाँ पर फुल जान लगा खींच रहा है जेसीबी को। जेसीबी की एकदम स्टक हो चुकी है भाई। ओके यहाँ पर जेसीबी पूरी स्टक हो चुकी है, बट यहाँ पर ट्रैक्टर को यहाँ पर पावर लगाया और पावर लगाते भाई जेसीबी देखो फुल नाच के यहाँ पर आई नागिन डांस कर यहाँ पर। ओहो खतरनाक यार, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को ये इतना परेशान करेगी निकलने में यार। शिट यार, ओ भाई क्या ये निकल पाएगी? थोड़ा दूर बचा हुआ है। एंड आओ मैं इसको ना पावर को लो करता हूँ, ठीक है। मैंने पावर यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पावर है वहाँ पर इंजन की जो एक्स्ट्रा पावर है उसको बंद कर दिया। एंड लेट्स सी क्या यहाँ पर जेसीपी यहाँ पर बाहर निकल पाएगी। भाई साहब ये देखो फुल ये नागिन डांस कर रही है यहाँ पर, ठीक है। नागिन तो थोड़ा थोड़ा दूर बचा है, बट यार कीचड़ में तो अच्छे से निकाल रहा था, बट यहाँ पर जेसीपी को भाई ये ट्रैक्टर निकाल नहीं पा रहा है। एकदम आराम से करता था, लो गियर पर यहाँ पर मैं निकालता हूँ, बट आई थिंक लो गियर पर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऑटो ही करता हूँ, ठीक है। ओके 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 सो गाइस यहाँ पर ये जो जेसीबी है निकल चुकी है, बट ये आई डोंट नो ये ऐसा क्यों चल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ओके यार ये ऐसा क्यों चल रही है, नागिन डांस क्यों यहाँ पर दिखा रही है जेसीबी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको निकाल चुका हूँ, बट मैं यहाँ पर उसको साइड में रोक देता हूँ ट्रक को। एंड हमारा जो मिशन वो कम्प्लीट हो चुका है, मैंने इस जेसीबी को यहाँ पर निकाल दिया, जो कि यार कोई भी निकालने वाला नहीं था, बट मेरा जो ट्रैक्टर है और स्पीड में क्या खींच पाएगा भाई, जान तो लगा रहा ट्रैक्टर मेरा, लेकिन नहीं हो पाएगा। काम करता हूँ, इसको यहाँ पर साइड में रोकता हूँ। एंड जो मेरा ड्राइवर वाकई इसको लेके जाएगा और इसको थोड़ा सा सर्विसिंग कराएगा, बिकॉज ये जो नागिन डांस करी ना इसके लिए, ठीक है। ओके तो डन, मैं यहाँ पर अनविंच करता हूँ, मैंने अनविंच हटा दिए। एंड इंजन बंद। ओ भाई साहब फुल खतरनाक यार, इस गाड़ी को निकालने के लिए, इस जेसीबी को निकालने के लिए ना भाई मेरी फट गई पूरी, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट जेसीबी थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज सर लाइक करना ना भूलिए। अगर आपने तो प्लीज सर सब्सक्राइब करो इस यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पर प्लीज सर फॉलो करो इस पेज को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड हम आपसे मिलते हैं सर और वीडियो में, तब तक जय हिंद एंड वंदे मातरम।